Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Vishnu Bhagwat in front of you, and today I want to discuss some points. So I hope that you will watch till the end this video. So just keep watch and like and subscribe please. So friends, actually मुझे बहुत सारे questions आ रहे थे जब मैं training period पे था कि क्या मतलब MBA क्या होता है hotel management में and और BSc और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है कि लाइक वो सेफ बनना चाहते हैं तो उनको स्पेशली सेफ का पढ़ाई करना है. तो एक्चुअली मैं तो अब ट्रेनिंग पीरियड से लौट चुका हूँ, सो मैं कॉलेज से रिलेटेड कोई भी वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि कॉलेज से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको नेट पर भी और कॉलेज से भी मिल जाएगी. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हम लोगों ने फील किया है हमारे ट्रेनिंग पीरियड पे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे यदि जॉब मिलता है तो कैसा जॉब मिलेगा, मुझे प्लेसमेंट होगी तो कितने पेमेंट से, मतलब क्या स्किल होगा, क्या सैलरी होगा. तो वो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा. तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड ये है कि जब हम लोग होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं तो हम लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा कोर्स लें. तो आप ये वीडियोस पूरी तरह देखना और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है, सबसे पहले जब आप होटल मैनेजमेंट में आते हो तो जो स्टूडेंट 12th नहीं किए हो वो आप पहले 12th करके आपका जो सर्टिफिकेट होगा मतलब पासिंग मार्क्स होगा उसको लेकर आप NCHMCT का पहले ट्राई करो जो कि नेशनल एग्जामिनेशन होता है ऑल ओवर इंडिया के लेवल का. उसमें आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज मिलेगी, गुरु नानक कॉलेज से भी अच्छी कॉलेज मिल सकती है आपको. ठीक है, तो पहले आप वो ट्राई करो. बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बैचलर कर रहे होते हैं तब उनको पता होता है कि नहीं अब मुझे होटल मैनेजमेंट, अदरवाइज अब मुझे कुछ मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कुछ डिपार्टमेंट यू चूज करके मुझे उसमें आगे बढ़ना चाहिए. तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सीधा कोई अच्छा सा कॉलेज, जरूरी नहीं कि आप गुरु नानक कॉलेज में आओ. मैं रिकमेंड सिर्फ गुरु नानक कॉलेज ही नहीं करूँगा, मैं उन सारे कॉलेज को रिकमेंड करूँगा जो अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और सबसे पहली बात की ग्रूमिंग, जिसको जो अच्छे से सिखाती है. और गुरु नानक कॉलेज इन सारी चीज़ें में मिला जुला कर ठीक है. तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि मुझे बैचलर करना है या आपको मास्टर डिग्री करना है. और मास्टर डिग्री यदि होगा भी तो वो आपको 12th मीन्स ग्रेजुएशन के बाद ही होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन डिग्री आप होटल मैनेजमेंट से करो, अदरवाइज वो आप आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से कुछ भी से करो. ठीक है, तो दूसरी पॉइंट ये है कि जब हम लोग ये चूज कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों को डिपार्टमेंट चूज करना होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊँ या नहीं जाऊँ. तो वो अभी मत डिसाइड करो, आप वो पहले पढ़ो. आप कुछ दिन के अंदर में आपको खुद ऑटोमेटिक पता चला जाएगा कि आखिर आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो. ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप मैनेजमेंट में ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग पीरियड का टाइम जब आता है तो आप कंफ्यूज रहते हो कौन सा होटल में मुझे ट्रेनिंग करना होता है. तो मैं सबसे पहला ट्रेनिंग से रिलेटेड एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, वो सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रांड में जाओ. मींस ब्रांड मींस ताज में जाओ, ओबराय में जाओ, हिल्टन में जाओ, मैरियट में जाओ, JW मैरियट में जाओ, वेस्टिन में जाओ. ठीक है, ये सारे ब्रांड में जाओ जिससे आपको बाद में प्लेसमेंट के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और प्लेसमेंट में सबसे पहले तो वो टैग दिखता है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग किया. ठीक है, तो वो सबसे बड़ी मैटर करती है खास करके प्लेसमेंट और ट्रेनिंग पीरियड में. और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा क्लियर कट रूप से कि कोई भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं करवाएगी. कॉलेज में प्लेसमेंट का कंपनी आता है, आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी में बैठना होगा, लेकिन इंटरव्यूज़ कॉलेज के बदले आपको देना होगा, कॉलेज आपके इंटरव्यूज़ नहीं देगी. ठीक है, आप उसमें एडमिट हो और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दो तो आप अच्छा पोजीशन पे जा सकते हो. ठीक है, दूसरी बात कि सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 10,000 से स्टार्टिंग होगी. ठीक है, जो मतलब नॉर्मल अभी एसोसिएट एज एसोसिएट लेवल पे जा रहे हैं. ठीक है, जो बंदे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 10,000 से कम भी हो सकता है और 10,000 से स्टार्टिंग, लेकिन 10,000 से वो अप नहीं होगा. ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, अब तो होटल इंडस्ट्री में अप का जाने का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, और
MBA जो मास्टर डिग्री किए हो, सबसे पहली बात कि कंपनी आज के टाइम में आप मास्टर डिग्री देखती है। ये मैं जब ट्रेनिंग पर गया था तो वहाँ पे मुझे जैसा फील हुआ कि वहाँ पे सब कुछ देखता है कि मतलब आप MBA करके आए हो, आपकी क्वालिटी, आपका ग्रूमिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका गेस्चर पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ देख करके, और थर्ड में आपको जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको MBA वगैरह में 11,000-12,000 से स्टार्टिंग होती है और अब कहीं भी जा सकती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सैलरी आपकी फुलफिल हो चुकी होगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सैलरी से आप कभी भी मत डरो। आप जहाँ भी जिस कंपनी में भी रहोगे, आपको खाना पीना रहना जो भी फैसिलिटी है वो सारी पूरी देगी कंपनी, और विद सैलरी। मींस अदर जॉब में जा रहे हो, यदि आपको 25,000 दे रही है तो 25,000 में से आपका कुछ सैलरी हो जाएगा, कुछ आपका खर्च निकल जाएगा, लेकिन वो कट के 10,000-12,000 तक आ ही जाता है जो कि आपको यहाँ पे कंपनी मिल रही है। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब आप इस इंडस्ट्री में टिक जाओगे और अच्छे से काम कर लोगे तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा तक जाएगा। उसके लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और लास्ट बात मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये सोचते थे कि इंडिया में ट्रेनिंग करने से प्रॉब्लम होता है, बाहर करने से फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिया से बेस्ट ट्रेनिंग कहीं नहीं होता है, इंडिया से बेस्ट जॉब कहीं नहीं होता है। एक बात मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि इंडिया में ट्रेनिंग करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम रिलेटेड क्या है कि जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा कोई डांट कर बोले, थोड़ा सा आपको वर्क ज़्यादा कराए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके साथ यदि आप अपना बिहेव अच्छा रखोगे। और इंडिया में मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से अच्छा ट्रेनिंग आप कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट आपको सीखने को मिलेगा। और मैंने जहाँ पे ट्रेनिंग किया और भी लोग जो हमारे फ्रेंड्स लोग किए, जो जिनसे मुझे जानकारी मिल पा रही है कि बहुत कोऑपरेट करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, इलिटरेट नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई भी इलिटरेट पर्सन नहीं है, सारे अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं और हाई टेक्नोलॉजी से लोग रिलेटेड रहते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं, तो आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो कभी इस तरह की बात को अपने माइंड में मत लाएं, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ को फील करो, आप इस चीज़ को समझो, आपको क्या डिसाइड करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। और भी मैं आगे वीडियोस लेकर आता रहूँगा, क्योंकि मैं इस बीच में वीडियोस नहीं ला पा रहा था। मैं अभी जस्ट कोलकाता आया हूँ तो अभी मेरी सारी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप मैसेज करो कमेंट में या कमेंट बॉक्स करो या कुछ भी करो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। So thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.